हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा। आज मैं आपको जो फेस पैक बताने वाली हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, आपको एक ही बार में इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। पहले पैक को तैयार कर लेते हैं। पैक तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 चम्मच घर का गाढ़ा दही, 1/2 लेमन। आप चाहो तो बाजार का भी दही यूज़ कर सकते हो, मैंने अपने घर का दही लिया है। और लेमन के बाद अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गुलाब जल। उसके बाद मैं डालूंगी 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मैं मिला लूंगी। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पैक बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए, आप सादे पानी से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हो और यहाँ पर मैं गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरे फेस पे जो भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए। और फेस पैक हो या फेशियल हो या फिर आप फेस मास्क लगा रहे हो, तो कोई भी चीज़ हो तो वो आपके फेस पर अच्छे से काम कर सके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पूरा मेकअप रिमूव कर लिया है कॉटन से। उसके बाद अब हम पैक को अप्लाई करेंगे। पैक को लगाने से पहले मैं अपने फेस पे पहले क्लींजिंग करूँगी। तो आप चाहो तो दूध से भी क्लींजिंग कर सकते हो अपने फेस पे, कच्चा दूध लेके आप उससे भी मसाज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा दही। दही से मैं अपने फेस पे पहले अच्छे से मसाज कर लूँगी, उसके बाद मैं पैक को अप्लाई करूँगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल हो गए हैं या फिर आँखों के नीचे भी, आप इस पैक को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी डल स्किन है तो आप इसको एक बार लगाइए। एक बार लगाने में ही आपको ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आप जितना हो सके एक वीक में आप इसको 2 से 3 बार अपने फेस पे अप्लाई कर कीजिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो सारे ही हमने घर के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो आपको ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और इस इंग्रेडिएंट्स में से अगर आपकी स्किन को कोई इंग्रेडिएंट्स सूट नहीं करता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए और आपके फेस को जो सूट करता है आप उसमें वो ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने अपने फेस की अच्छे से मसाज कर ली है। उसके बाद मैं कॉटन लूँगी और कॉटन से अपने फेस पे जो मैंने दही से मसाज की है उसको रिमूव कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉटन से अपने फेस को साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब हम पैक लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पैक लग गया है। इसको अब 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, ये मेरा पैक सूख भी गया है और ये मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें आलमंड ऑयल डाला था। तो देख, चलिए अब इसको वॉश कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं फेस को वॉश करके भी आ गई। आप देख सकते हो मेरे फेस का ग्लो
और अपने फेस को वॉश करने के बाद कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़िए। आप इस फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है और 2-3 बूंदे गुलाब जल के लिए है, उसको मैं अच्छे से मिला के अपने फेस पे लगा लूँगी और उसी से ही मसाज कर लूँगी। तो आप भी कभी भी अगर फेशियल करते हो या फेस पैक लगाते हो तो अपने फेस को ऐसे ही मत छोड़िए, उस पर कोई भी नाइट क्रीम है या फिर मॉइस्चराइज़र है या फिर एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइए। सो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।